थाना क्षेत्र में एक युवक पर कट्टे से फायर करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने युवक को पैसे वापस कराने के बहाने बुलाया था और मौका मिलते ही जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी सामने आई है कि छिपौन रहने वाले 34 वर्षीय राजू धाकड़ ने आरोन थाना क्षेत्र के सरको गांव निवासी एक व्यक्ति को कुछ रुपए उधार दिए थे। राजू और उस व्यक्ति में इन रुपयों के लेन देन को लेकर तनाव की स्थिति बनने लगी थी। इसी बीच शनिवार को राजू को पैसे वापस करने की बात कहकर फोन लगाकर सर को बुलाया गया। हालांकि वे व्यक्ति सरको में नहीं मिला, उसने स्थान परिवर्तित करते हुए राजू को बरखेड़ा हाट आने के लिए कहा। यहां दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई, इसके बाद राजू को फोन पर बात करने लगे। इस दौरान राजू का ध्यान भटकता देख उस व्यक्ति ने उस पर कट्टे से फायर कर दिया। बताया जा रहा है कि राजू को घायल अवस्था में उनके पुत्र और कुछ परिचितों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फायर करने के दौरान कट्टे की गोली राजू के गले में आर पार निकल गई थी। हालांकि चिकित्सकों ने उसका उपचार किया है और राजू धाकड़ अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। आरोन पुलिस ने इस घटनाक्रम के बाद गुना के एक निजी अस्पताल में भर्ती राजू धाकड़ के बयान दर्ज कर दिए हैं और आरोपी की गिरफ्तार के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। जी बताइए क्या घटना हुई है? ये राजू धाकड़ ग्राम छिपौन में रहते थे, इनके लिए पैसे लेने के लिए धनराम धाकड़ ने कॉल किया कि आप पैसे लेने के लिए आ जाओ सर को। तो ये ने बोला कि कल ले लूँगा पैसे, नहीं ले रहा हूँ अभी। तो इनने कहा नहीं तुम लेने आ जाओ। तो ये घर से 7:30-8 के समथिंग में निकले, ये पहुँचे सर को, सर को पर जाकर कॉल किया क्या हूँ भाई साहब कहाँ हो, कि मैं हार्डवर्करा हूँ, हार्डवर्करा आ जाओ। तो ये हार्डवर्करा पहुँचे, हार्डवर्करा में जाकर कॉल किया कहाँ पर हो हार्डवर्करा में, तो क्या मैं पीटर के पास तालाब के पास में खड़ा हूँ, जहाँ पर आ जाओ आप। तो वहाँ पर ये पहुँचे, तो पहुँच के इनकी बात वारा नहीं हुई जो अभी हुई बात करते उस समय उनने कही वो मैं कॉल कर देता हूँ, वो पैसे लेके आ रहा होगा। तो उनने कॉल करी और जब तक इनके पास में किसी की कॉल आ गई अन्य व्यक्ति की, राजू भाई साहब के पास में, तो राजू भाई साहब ने उनकी कॉल उठाई और जब तक इनने पीछे से गोली मार दी। तो ये आपको कैसे सूचना मिली कि ये गोली लग गई? वो खुद ही बता रहे थे राजू धाकड़। हाँ। मुझे है ना सवेरे मतलब हॉस्पिटल कौन लेके आया? हॉस्पिटल उनका लड़का लेके आया था राज धाकड़। अच्छा। और उनके पास में सब्जी लगाता है वो व्यक्ति लेके आया था। अच्छा। सब्जी का काम करता है वो व्यक्ति लेके आया था हॉस्पिटल। पर अभी डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर का ये कहना है कि अब तबीयत में थोड़ा सुधार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन धाकड़। कहाँ रहते हो? बरकरा के। और ये घटना कल रात के 8-9 बजे की घटना है, जिसमें ये राजू धाकड़ ने बताया कि कोई धनराम धाकड़ ने जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। पैसों का लेन देन बताया गया, उसके हमने फाइल ले लिए यात्री नाल से 307 में। अब आगे जो कितने पैसे का लेन देन था अभी ये बता रहा है कि 40-50 हज़ार का लेन देन था।